शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता हो सकता है। ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही ज्ञान और समझ की आवश्यकता होती है। लेकिन ये कोई चांस का खेल नहीं है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपकी समझ और रणनीति का महत्व होता है। स्टॉक मार्केट में सक्सेस के लिए नॉलेज, पेशेंस और डिसिप्लिन जरूरी है। बिना इन तीनों के आप अपने निवेश को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि मार्केट कैसे काम करता है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि विभिन्न कारक कैसे आपके निवेश को प्रभावित कर सकते हैं। यहीं पर बुक्स की पावर आती है। ये किताबें आपको वह ज्ञान और समझ देती हैं जो आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करती हैं। ये इनवैल्यूएबल इनसाइट्स, स्ट्रेटजीज और विजडम देते हैं एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स से, जिन्होंने मार्केट के यूपीएस एंड डाउन्स देखे हैं। उनके अनुभव से सीखना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस एसे में हम स्टॉक मार्केट एजुकेशन की इम्पोर्टेंस एक्सप्लोर करेंगे। हम यह जानेंगे कि कैसे सही शिक्षा और जानकारी आपके निवेश को सफल बना सकती है। हम 4 एसेंशियल बुक्स के बारे में जानेंगे जो बिगिनर्स और सीजन्ड इन्वेस्टर्स दोनों को गाइड कर सकती हैं। रिच डैड पुअर डैड, लर्न टू अर्न, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। ये किताबें आपको निवेश की दुनिया में एक मजबूत नींव प्रदान करती हैं। ये किताबें इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स, रिस्क मैनेज करने और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देती हैं। इनके माध्यम से आप अपने निवेश को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। याद रखें, स्टॉक मार्केट में नॉलेज आपका सबसे पावरफुल एसेट है। जितना अधिक आप जानेंगे, उतना ही बेहतर आप अपने निवेश को संभाल पाएंगे। अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करके आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यह एक ऐसा निवेश है जो आपको लंबे समय तक लाभ देगा। चलिए लर्निंग के इस जर्नी पर निकलते हैं और इन्वेस्टिंग की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं इन इन्फ्लुएंशियल बुक्स के विजडम के थ्रू। ये यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी बल्कि आपके निवेश को भी एक नई दिशा देगी। जैसे जैसे हम हर बुक में डेल्व करेंगे, हम प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज अनकवर करेंगे जिन्हें आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी पर अप्लाई कर सकते हैं। ये टिप्स आपको एक सफल निवेशक बनने में मदद करेंगी। चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हों या थोड़ा एक्सपीरियंस हो, ये किताबें सभी लेवल्स के इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यूएबल लेसन्स ऑफर करती हैं। हर निवेशक के लिए इनमें कुछ न कुछ सीखने को है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड एक लाइफ चेंजिंग बुक है जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक नई सोच को इंट्रोड्यूस करती है। ये किताब पैसों के बारे में कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करती है और नए पर्सपेक्टिव्स को सामने लाती है। ये फाइनेंशियल लिटरेसी और ऐसे एसेट्स बनाने की इम्पोर्टेंस पर जोर देती है जो पैसिव इनकम जनरेट करें, जिससे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हो सके। कियोसाकी अपने बचपन के किस्से शेयर करते हैं, अपने बायोलॉजिकल फादर पुअर डैड और अपने दोस्त के फादर रिच डैड के फाइनेंशियल फिलॉसफीज कंपेयर करते हुए। ये कंपैरिजन रीडर्स को सोचने पर मजबूर करता है। रिच डैड पुअर डैड से एक की टेक अवे है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के डिफरेंस को समझना, जो फाइनेंशियल सक्सेस के लिए क्रूशियल है। एसेट्स आपकी जेब में पैसे डालते हैं जबकि लायबिलिटीज पैसे निकालते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपके फाइनेंसेस को देखने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है और आपको एक नई दिशा में ले जा सकता है। ये किताब रीडर्स को इन्वेस्टर्स की तरह सोचने के लिए इनकरेज करती है, एम्प्लॉयज की तरह नहीं। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत इंपैक्टफुल हो सकता है। ये रियल एस्टेट, बिजनेसेस और स्टॉक्स जैसे एसेट्स अक्वायर करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देती है, जो टाइम के साथ इनकम जेनरेट कर सकते हैं और वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड फाइनेंशियल एजुकेशन के सिग्निफिकेंस को भी हाईलाइट करती है, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एसेंशियल है। पीटर लिंच की लर्न टू अर्न स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स के लिए एक एक्सेलेंट स्टार्टिंग पॉइंट है। ये इन्वेस्टिंग के फंडामेंटल्स को क्लियर और कंसाइज तरीके से एक्सप्लेन करती है। लिंच, एक लेजेंडरी फंड मैनेजर, का मानना है कि कोई भी इन्वेस्ट करना सीख सकता है और फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर सकता है। ये किताब एसेंशियल टॉपिक्स कवर करती है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स समझना और प्रॉमिसिंग कंपनीज आइडेंटिफाई करना। लिंच इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो और जिन बिजनेसेस में आप इन्वेस्ट करते हैं उन्हें समझने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। लर्न टू अर्न लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच को एडवोकेट करती है। लिंच इन्वेस्टर्स को पेशेंट रहने, मार्केट फ्लक्चुएशन से निपटने और अपने इन्वेस्टमेंट्स की अंडरलाइंग वैल्यू पर फोकस करने के लिए इनकरेज करते हैं। बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वैल्यू इन्वेस्टिंग की बाइबल मानी जाती है। इस क्लासिक बुक ने वॉरेन बफेट समेत इन्वेस्टर्स की जेनरेशंस को इन्फ्लुएंस किया है।
ग्रैहम स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली अंडरवैल्यूड कंपनीज में इन्वेस्ट करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। ये किताब मिस्टर मार्केट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करती है, एक इमेजिनरी कैरेक्टर जो हर दिन अलग अलग प्राइसेस पर स्टॉक्स बाय या सेल करने का ऑफर करता है। ग्रैहम का तर्क है कि इन्वेस्टर्स को मिस्टर मार्केट के इमोशनल स्विंग से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू पर फोकस करना चाहिए। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कंपनीज को एनालाइज करने, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ असेस करने और उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू डिटरमिन करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिस्क कम करने के लिए स्टॉक्स को उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पर बाय करने की इंपॉर्टेंस पर भी जोर देती है। सेक्शन 5, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, फाइंडिंग हिडन जेम्स। हमारी लिस्ट में पीटर लिंच की दूसरी बुक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट उन एडवांटेजेस पर फोकस करती है जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के मुकाबले होते हैं। ये बुक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को एम्पावर करती है कि वे अपने यूनिक पर्सपेक्टिव्स और इनसाइट्स का यूज करके मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को पहचान सकें। लिंच का तर्क है कि आम लोग अपने सराउंडिंग्स पर ध्यान देकर और अपने कॉमन सेंस का यूज करके प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये अप्रोच न केवल एक्सेसिबल है बल्कि प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स को उनके डेली एक्सपीरियंसेस से सीखने के लिए प्रेरित करता है। ये किताब इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो करने और ऐसी कंपनीज ढूंढने के लिए इनकरेज करती है जिनके पास कंपेटिटिव एडवांटेज, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड हो। लिंच बताते हैं कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्रूशियल है। लिंच खुद रिसर्च करने और सिर्फ एनालिस्ट रिकमेंडेशंस पर रिलाई न करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि थरो रिसर्च और पर्सनल कन्विक्शन से ही सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं। वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट मार्केट में हिडन जेम्स ढूंढने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स देती है, जैसे लो डेट, हाई इनसाइडर ओनरशिप और शेयर बायबैक्स की हिस्ट्री वाली कंपनीज ढूंढना। ये टिप्स इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियली साउंड कंपनीज आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। लिंच इन्वेस्टिंग में पेशेंस और डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस पर भी डिस्कस करते हैं। उनका मानना है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और डिसिप्लिन्ड अप्रोच से ही इन्वेस्टर्स को सस्टेनेबल रिटर्न्स मिल सकते हैं। सेक्शन 6, द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। स्टॉक मार्केट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। न्यू ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज और इकोनॉमिक फैक्टर्स मार्केट बिहेवियर को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसलिए कंटिन्यूअस लर्निंग उन इन्वेस्टर्स के लिए क्रूशियल है जो आगे रहना चाहते हैं। किताबें पढ़ना सिर्फ शुरुआत है, सेमिनार्स, वेबिनार्स और कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करें। रेप्यूटेबल फाइनेंशियल न्यूज सोर्सेज फॉलो करें। फेलो इन्वेस्टर्स के साथ डिस्कशंस में एंगेज करें। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही बेहतर आप इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए इक्विप्ड होंगे। याद रखें, स्टॉक मार्केट एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। लर्निंग प्रोसेस को एम्ब्रेस करें और इसे अपनी फाइनेंशियल वेलबींग में इन्वेस्टमेंट समझें। सेक्शन 7, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, द की टू सक्सेस। बिना एक्शन के नॉलेज मीनिंगलेस है। किताबें पुराना सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए एसेंशियल है, लेकिन जो आप सीखते हैं उसे अप्लाई करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करें, इन्वेस्ट करना शुरू करें और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें। मिस्टेक्स करने से डरे नहीं। इन्वेस्टिंग एक लर्निंग प्रोसेस है और मिस्टेक्स होना इनेविटेबल है। की है अपने मिस्टेक्स से सीखना और टाइम के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इंप्रूव करना। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंट रहें, डिसिप्लिन्ड रहें और लॉन्ग टर्म पर फोकस करें। इन बुक्स से सीखे गए प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली अप्लाई करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 8, कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग द जर्नी ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, फाइनेंशियली और इंटेलेक्चुअली दोनों तरह से। खुद को एजुकेट करके, फंडामेंटल समझकर और साउंड इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई करके आप मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज से नेविगेट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एस्पिरेशंस अचीव करने की डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। जिन चार बुक्स पर हमने डिस्कस की, रिच डैड पुअर डैड, लर्न टू अर्न, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, सभी लेवल्स के इन्वेस्टर्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं। ये वैल्यूएबल इनसाइट्स, स्ट्रेटजीज और टाइमलेस विजडम ऑफर करती हैं, जो आपको आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी पर गाइड कर सकती हैं। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक लाइफलॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। जर्नी को एम्ब्रेस करें, पेशेंट रहें और नॉलेज ढूंढना कभी न छोड़ें। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन करेंगे, आप एक ज्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनेंगे।